बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सेवन डेज सेवन फ्रेग्रेंसेस, या आप कह सकते हैं कि सेवन फ्रेग्रेंसेस ऑफ द मंथ फ्रॉम अदील इम्तियाज। मैं ये ऐसी सेवन फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि मैं सिलेक्ट करता हूं एक मंथ के लिए, और इस मंथ में स्पेसिफिकली वही लगाता हूं। दो से तीन रीजन है, या तो मैंने ये फ्रेग्रेंसेस काफी अरसे से नहीं लगाई होती, या अगर लगाई होती हैं तो उसमें यह होता है कि इनको दोबारा लगाए हुए मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका होता है, ठीक है, काफी टाइम से लगाई नहीं होती, या मैं इनको स्टडी करना चाह रहा होता हूं, ठीक है। तो ये कुछ दो तीन रीजंस हैं जिनके लिए, और एक और रीजन ये है कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है कि इस मंथ में अगर आपने कोई फ्रेग्रेंस खरीदनी है तो इन सात में से आप खरीद सकते हैं फ्रेग्रेंसेस, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट को, मंडे से स्टार्ट करते हैं। मैंने इस तरह सोचा है कि मैं तमाम मंडेज को डॉल्ची एंड गबाना का इंटेंसो पोर ओम लगाऊंगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डॉल्ची एंड गबाना का इंटेंसो, INTENSO, इंटेंसो पोम, ये आप इसका नाम देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इस तरह सोचा कि मैं तमाम मंडेज को ये लगूंगा। जबरदस्त फ्रेश सोपी और एक जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इसको लगाकर। इसका रिव्यू अगर मेरे चैनल पर अवेलेबल है तो ठीक, वरना आ जाएगा कुछ 13-14 हजार रुपए के लगभग ये फ्रेग्रेंस थी। आपका मुझे नहीं पता, मुझे लास्ट टाइम इसकी जब प्राइस चेक की थी 13-14 हजार रुपए के लगभग थी, ठीक है। तो मैंने इस सोचा है कि मैं इस मंथ तमाम मंडेज को ये लगाऊंगा। बेहतरीन किस्म की फ्रेग्रेंस है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इस फ्रेग्रेंस को इस मंथ के अंदर ट्राई करके। ट्यूसडे के दिन मैंने सोचा है कि मैं इस दफा लगाऊंगा। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताता हूं, मैं अपने चैनल पर ना रिव्यूज जब करता हूं तो समटाइम्स करते करते कुछ एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेज के रिव्यूज की तरफ चल पड़ता हूं, तो मुझे बहुत सारे भाई कहते हैं दिल भाई को इन एक्सपेंसिव का रिव्यू करें। तो मैं इस तरह के मौके पे ना हारिस सलीम से कहता हूँ, हारिस भाई कोई यार इन एक्सपेंसिव में ना कोई फ्रेग्रेंस रिकमेंड करें, मैं रिव्यू बनाना चाहता हूँ। तो फिर हारिस मुझे कॉन्फिडेंटली जो है ना वो रिकमेंड कर देता है। उसको पता है, अमूमन ये होता है ना कि अगर मैंने किसी भाई को 99 फ्रेग्रेंसेज रिकमेंड की और हर फ्रेग्रेंस उसने कहा जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बीच में से सिर्फ एक फ्रेग्रेंस गड़बड़ हो गई ना, बस फिर वो आप जरा वीडियोस के नीचे कभी कभी कमेंट्स देखा करें कि वो फिर किस तरह के प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं हमारे वो भाई। बहरहाल, लेकिन हारिस सलीम के मामले में ये है कि वो मुझे कोई भी फ्रेग्रेंस रिकमेंड कर दे, पहले मैं उसको प्रॉपर स्टडी करता हूँ, देखता हूँ कि लोगों को ये चीज पसंद आएगी या नहीं आएगी, उसके बाद मैं ये फाइनल करता हूँ। तो ये बहुत ही आराम से सस्ती फ्रेग्रेंस है जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी है, प्रोजेक्शन भी अच्छी है और लोगों को पसंद आने वाली भी है, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि मैं इस मंडे इस ट्यूसडे को, इस मंथ में तमाम ट्यूसडे को ये फ्रेग्रेंस लगाऊंगा, और बेसिकली मैंने इसको एंजॉय करना है, बेसिकली स्टडी तो नहीं करना है इस फ्रेग्रेंस को, मैंने इसको स्पेशली एंजॉय करना है, ठीक है। तो ये है जी रू ब्रोका की होक्ड पो ओम। ये आप अगर आप देख सकें, यूं दिखाता हूं, होक्ड पो ओम, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, होक्ड पो ओम फ्रॉम द हाउस ऑफ रू ब्रोका। जबरदस्त बॉटल, ये आप टाई देख सकते हैं, बड़ी प्यारी सी इसके ऊपर वो लगी हुई है, जबरदस्त कैप और बहुत ही प्यारी बॉटल। 3,500-4,000 रुपए इसकी प्राइस है, और लिटरली इस प्राइस के अंदर ये बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। तो इस मंथ तमाम ट्यूसडेज को मैंने सोचा है कि मैं लगाऊंगा रू ब्रोका का होक्ड पोम, ठीक है। वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, इन दोनों में मैंने सोचा है कि मैं मोंटाल की दो फ्रेग्रेंसेज लगाऊंगा, और एक है उनमें से, मतलब वेडनेसडे को मैं लगाऊंगा एम्ब्रेंस दसोरा, एम्ब्रोंस दसोरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एम्ब्रोंस दसोरा, लेट मी शो यू इट्स नेम, अगर EMBRUNSDESSAUAOUIRA, एम्ब्रोंस दसोरा। ये जो क्रोम बॉटल्स होती हैं ना, एक तो ये कैमरे में दिखाना मुश्किल होती है, दूसरा इनकी पिक्चर्स बनाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। एम्ब्रोंस दसोरा अगर आप इसका नाम आप देख सके तो, ठीक है। तमाम वेडनेसडेज को ये लगाऊंगा, बहुत ही कमाल की गर्मियों के लिए हद से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो मैंने इस मंथ तमाम वेडनेसडेज को सोचा है कि मैं मोंटाल की ये फ्रेग्रेंस लगाऊंगा, और थर्सडे को मैंने मोंटाल की एक और फ्रेग्रेंस लगाने का सोचा है जिसका नाम है फ्यूजर्स मरीन, फ्यूजर्स मरीन, ठीक है। इसका नाम आप यहां से पढ़ सकते हैं, ये बॉटल सेम है लेकिन फ्रेग्रेंसेस के नाम डिफरेंट हैं, ठीक है। तो मैंने इस दफा सोचा है कि मैं तमाम थर्सडेज को, वेडनेसडे को एम्ब्रोंस दसोरा, एम्ब्रोंस दसोरा, और थर्सडे को लगाऊंगा फ्यूजर मरीन। ओके, मैंने सोचा कि हर जुम्मे को हम कोई ना कोई फ्रेग्रेंस लगाते हैं, ऊद बेस्ड या स्ट्रॉन्ग या ट्रेडिशनल टाइप,
इस दफा मैंने सोचा है कि मैं तमाम फ्राइडेज को एक मॉडर्न किस्म की फ्रेग्रेंस लगाऊंगा, और वो है जी जॉर्जियो अरमानी की एक्वा दी जियो प्रोफूमो। ये आप देख सकते हैं मेरे पास, ये 40 ml की बहुत ही प्यारी बॉटल है इसका। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये आप अगर इसके नीचे देख सके तो ये अगर आप कोड मैच करेंगे 38N503, अगर आप इसको देख सकें यहाँ पे, तो 38N503, तो ये 2016 बैच बनता है। मेरे पास जो 125 ml वाली है वो भी 2015 बैच है, और ये 2016 बैच है। दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन लोग कहते हैं कि न्यू बैचेस की जो परफॉर्मेंस है ना वो कोई बहुत ज्यादा मजे की नहीं है। तो आप पहले ट्राई कर लें इसका डीकेंट वकास अहमद से लेकर, तो उसके बाद जो है ना वो आप कर सकते हैं। तो फ्राइडे को मैंने इस मंथ तमाम फ्राइडे को सोचा है कि मैं एक्वा दी जियो प्रोफूमो लगाऊंगा, जो कि है जॉर्जियो अरमानी की। हफ्ते को एक ऐसा दिन होता है जब आप घर पे बस रेस्ट करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि यार मैं अब इस फ्रेग्रेंस को जो है ना वो एंजॉय करूंगा और खुद बैठ के एंजॉय करूंगा। तो मैंने सब सोचा है कि मैं इस मंथ तमाम सैटरडेज को लगाऊंगा कैल्विन क्लाइन का इंटेंस यूफोरिया मैन। ये आप देख सकते हैं इंटेंस यूफोरिया मैन, बहुत ही कमाल की जबरदस्त फ्रेग्रेंस है कैल्विन क्लाइन की। सीके की कोई बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंसेज जो है वो पॉपुलर नहीं है, इटर्निटी कर लें आप एक दो, बाकी आप इसका ब्रांड का नाम जो है ना वो बहुत कम सुनेंगे, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर नाम नहीं है फ्रेग्रेंसेज के लिहाज से, लेकिन ये फ्रेग्रेंस अच्छी है, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि मैं इस मंथ तमाम सैटरडेज को लगाऊंगा कैल्विन क्लाइन का इंटेंस यूफोरिया मैन। संडे का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन आपको घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ किसी इवेंट पे जाना पड़ सकता है, तो संडे के लिए मैंने स्पेशली जो फ्रेग्रेंस सोची है वो है जी मोंटाल की एरोमेटिक लाइम। आप कहेंगे कि इस मंथ दिल ने मोंटाल की लाइम लगा दी, दो मोंटाल पहले दिखाए और तीसरा मोंटाल अब दिखा रहा हूं, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये तीनों के तीनों मोंटाल हद से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, और उनमें ये एरोमेटिक लाइम भी आता है। मतलब अगर मैं इसको सुबह घर में लगा लूंगा तो शाम को अगर मैं दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ कहीं बाहर जाता हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगा रीअप्लाई करने का। ये इतनी कमाल की लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस है, ठीक है। सो दिस इज मोंटाल पेरिस एरोमेटिक लाइन। तो ये था जी हमारा 7 days 7 fragrances for a month, and you can also say that 7 fragrances of the month. Thank you so much.